हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर एस गुरु अकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो हम लेकर आए हैं हिंदी के समास। समास सबसे पहले परिभाषा। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द पद अपने बीच में विभक्ति का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामासिक कहते हैं। शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्द में से के लिए विभक्त का लोप करने पर नया शब्द बना रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्त सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। समास विग्रह किसे कहते हैं? जैसे कोई हमने शब्द लिया विद्यालय, विद्यालय को अगर हम क्या करेंगे, विद्यालय को अगर हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा? विद्या के लिए आलय, माता पिता, माता और पिता। तो ऐसे इस टाइप के जो शब्द होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? समास। इसके प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो स्टूडेंट्स, समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अव्ययी भाव समास, जिसमें अव्यय का भाव हो उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। नंबर 2, तत्पुरुष समास। नंबर 3, द्वंद्व समास। नंबर 4, बहुव्रीहि समास। नंबर 5, द्विगु समास। और नंबर 6, कर्मधारण समास। तो चलिए, हमारा पहला यहाँ पर है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्राय मतलब इसका क्या, इसका अर्थ है, नंबर 1, पहला पद प्रधान होता है। पहला पद का पूरा पद अव्यय होता है। वे शब्द जो लिंग वाचक कारक काल अनुसार नहीं बदलते उन्हें अव्यय कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी शब्द हो हिंदी भाषा में जो लिंग वाचक कारक और काल के अनुसार कभी नहीं बदलता है उन्हें अव्यय कहते हैं। नंबर 3, यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो, मतलब एक शब्द दोहराया जाए, बार बार आए और दोनों शब्द मिलाकर अव्यय की तरह प्रयुक्त हो, वहां भी अव्ययी भाव समास होता है। नंबर 4, संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं। संस्कृत के जो उपसर्ग वाले पद होते हैं उन्हें भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में स्टूडेंट्स आप देखिए यहां पर यथाशक्ति, इसका मतलब क्या हुआ? शक्ति के अनुसार। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथाकर्म, कर्म के अनुसार। यथाविधि, विधि के अनुसार। यथावसर, अवसर के अनुसार। यच्छा, इच्छा के अनुसार। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन या दिन हर एक दिन। प्रत्येक, हर एक, प्रति प्लस एक। प्रत्यक्ष, अक्षी के आगे। घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, किसी भी घर को न छोड़कर। हाथों हाथ, आपने देखा होगा हाथों हाथ मतलब एक बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला शब्द है, एक हाथ से दूसरे हाथ तक या हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। बीचों बीच, ठीक बीच में। साफ करना, साफ साफ, साफ के बाद साफ, बिल्कुल साफ। आमरण, मरने तक या मरण पर्यांत। असमुद्र, समुद्र पर्यंत। भर पेट, पेट भरकर। अनुकूल, जैसा कूल है वैसा। निर्विवाद, बिना विवाद के। दरअसल, असल में। और बकायदा, कायदे के अनुसार। ये सभी एग्जाम्पल हमारे अव्यय समास के हैं। अगला है हमारा नंबर 2, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जिसकी परिभाषा आती है, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। क्या एग्जाम्पल हमारा है?
कर्म तत्पुरुष को कृष्णार्पण, मतलब इक्वल टू क्या होगा हमारा, कृष्ण को अर्पण, कृष्ण को जो अर्पण किया जाए उसको क्या बोलेंगे, कर्म तत्पुरुष कृष्णार्पण। नेत्र सुखद, नेत्रों को सुखद या नेत्रों को सुख देने वाला। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। पदोन्नत, उदक को प्राप्त। खै इसका कारण तत्पुरुष से के द्वारा। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदान। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित। गह है हमारा संप्रदान तत्पुरुष के लिए। इसमें क्या होगा, हवन सामग्री हवन के लिए। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। बलि पुरुष, बलि के लिए पशु, सॉरी बलि पशु, बलि के लिए पशु। घ है हमारा आपादन तत्पुरुष। आपादन तत्पुरुष में हमारा क्या क्या आएगा, रणमुक्त, रण से मुक्त। पदच्युत, पद से च्युत। मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला। चय संबंध तत्पुरुष। का के की, जिसमें का के की ध्वनि होगी उसको हम संबंध तत्पुरुष बोलेंगे। इसके एग्जांपल हमारा क्या होगा, मंत्री परिषद, मंत्रियों का परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। आमचूर, आम का चूर्ण। रामचरित, राम का चरित्र। अगला है हमारा अधिकरण तत्पुरुषम। इसमें क्या होगा, मैं पे पर। इसका एग्जांपल है हमारा वनवास, वन में वास। जीवन दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। नंबर तीन है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमारे सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसकी, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जब हम इसको विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं, तो इसका और अथवा या का प्रयोग इसके बीच में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए, माता पिता, माता और पिता। दाल रोटी, दाल और रोटी। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। अन्न जल, अन्न और जल। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अपना पराया, अपना या पराया। नील लोहित, नीला और लाल। धर्माधर्म, लोहित लाल को बोलते हैं लोहित। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। सुरासुर, सुर या असुर। सुर और असुर। शीतोष्ण, शीत या उष्ण। यशापयस, यश और अपयस। शीतातप, शीत या तप, आतप। सशस्त्र, शस्त्र और अस्त्र। कृष्णार्जुन, कृष्ण और अर्जुन। नंबर चार है हमारा बहुव्रीही समास। इसका हमारा एग्जाम मतलब परिभाषा क्या है बहुव्रीही समास की, बहुव्रीही समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इसके अंदर सबसे खास बात क्या है कि इसके अंदर कोई भी पद प्रधान नहीं होता, जैसे पहले तीन में एक पद या दो पद प्रधान होते थे। इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। इसमें जो भी हम पद को प्रयुक्त करते हैं उसमें क्या होता है, सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य प्रधानता, अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मतलब उसका जो सामान्य अर्थ निकलेगा अन्य कोई अर्थ ज़्यादा निकलता है। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जैसे, वह आदि आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गजानन, गज का आनन है, जिसका वह गणेश। त्रिनेनन, तीन नेत्र हैं जिसके, वह कौन है, शिव शंकर भगवान। चतुर्भुज, चार भुजा हैं जिसकी, वह कौन है, विष्णु।
षडानन षट, आनन षट मीन्स छः, जिसके वह कौन है कार्तिकेय। दशानन दस आनन है जिसके, वह कौन है रावण। घनश्याम घन जैसा श्याम है जो, वह कौन है कृष्ण। ये जो ब्रैकेट में हमने दिया है ये इसके विग्रह करने के बाद, मतलब जिसकी जो मेन शब्द के ऊपर इनको बनाया जाता है वो है। पीतांबर पीत है जिसका अंबर, मतलब पीतांबर है जिसके, वह कौन है विष्णु। चंद्रचूड़ चंद्रचूड़ है, चंद्रचूड़ पर है वह। गिरिधर गिरी को धारण करने वाला, गिरी मैंने पर्वत। मुरारी मुर का अरि है जो वह, अरि मीन्स शत्रु। आशुतोष आशु मीन्स शीघ्र, प्रसन्न होता है जो। नील लोहित नीला है लहू जिसका वह। वज्रपाणी वज्र है पानी में जिसके वह है। सुग्रीव सुंदर है ग्रीवा जिसकी, ग्रीवा मैंने भुजा। मधुसूदन मधु को मारने वाला है जो। आजानु बाहु जानवो, जानवो मीन्स घुटनों तक बाहुएं हैं जिसकी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं आजान बाहु। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ। महादेव देवताओं में महान है जो। मयूर वाहन मयूर है वाहन जिसका। कमल नयन कमल के समान नयन है जिसके वह। कनकटा कटे हुए कान है जिसके वह। जलज जल में जन्मे जन्मने वाला है जो वह कमल। वाल्मीकि वाल्मीक से उत्पन्न है जो। दिगंबर दिशाएं ही हैं जिनके अंबर, ऐसा है वह। कुशाग्र बुद्धि कुश के अग्र भाग के समान बुद्धि है जिसकी, उसको क्या बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। नंबर पांच है हमारा द्विगुण समास। इसमें क्या होगा परिभाषा इसकी। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है तो कभी परपद भी संख्यावाचक होता है। पूर्व पद मैंने पहला पद, परपद मैंने अंतिम पद। देखा जा सकता है द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। मतलब द्विगु समास में अगर कोई संख्या प्रयुक्त की गई है तो वो किसी ग्रुप समूह बोले तो किसी ग्रुप का बोध कराएगी, ना कि अन्य अर्थ का। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार शब्द आएगा। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। दोराहा दो राहों का समाहार। पक्ष द्रव्य दो पक्षों का समूह। संपादक द्रव्य दो संपादकों का समूह। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। त्रिलोक या त्रिलोकी तीनों लोकों का समाहार। त्ररत्न तीन रत्नों का समूह। संकलन त्रय तीन समाहार तीन का समाहार। भुवन त्रय तीन भुवनों का समाहार। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। चैत्र मास चार मासों का समाहार। चतुर्भुज चार भुजाओं का समाहार। चतुर्वर्ण चार वर्णों का समाहार। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंच चपात्र पांच पात्रों का समाहार। पंचवटी पांच वटों का समाहार। षटभुज षट मीन्स छह भुजाओं का समाहार। सप्तभुज सात दिनों का समाहार। सतसई सात सौ का समाहार। सप्तशशी सात शतकों का समाहार। सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह। अष्ट सिद्धि अष्ट सिद्धियों का समाहार। नवरत्न नौ रत्नों का समूह। नवरात्र नौ रात्रियों का समाहार। दशक दस का समाहार। शतक सौ का समाहार। शताब्दी सत सौ अब्दो वर्षों का समाहार, मतलब 700 वर्षों का जो समाहार होगा, 100 वर्षों का समाहार उसको क्या बोलेंगे शताब्दी। अगला है हमारा नंबर 6 कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा होगी कर्मधारय समास में एक पद विशेष होता है तो दूसरा पद विशेष्य।
जैसे एग्जाम्पल के रूप में पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम है या पुरुषों में जो उत्तम है उसको क्या बोलेंगे, पुरुषोत्तम। नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, धन और श्याम। पीतांबर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा। रक्तांबर, रक्त के रंग का लाल जो अंबर। कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र या कुपुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण मीन्स काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जिसका आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान है जिसके नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा है जिसका मुख। राजश्री, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरण विंद, चरण के समान है जिसके विंद या चरण रूपी अरविंद। और आखिरी आज का हमारा जो है एग्जाम्पल वो क्या है, विद्या, विद्य धन, मतलब विद्या रूपी धन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ गया होगा। इससे ज़्यादा समास में पेपर में आपको इससे मतलब एक्स्ट्रा में कुछ भी नहीं मिलने वाला है। एग्जाम्पल्स हैं जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द मिले। धन्यवाद। और अगर आपका कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।